मरते समय दानवीर कर्ण से भगवान श्री कृष्ण ने क्या पूछा, जानकर होश उड़ जाएगा आपका। दोस्तों, सूर्यपुत्र कर्ण महावीर थे, महादानी थे, हमेशा अपने दिए हुए वचनों का मान रखते थे। अपने जीवन में सदा ही उन्होंने त्याग किया, किसी से कुछ नहीं मांगा, हमेशा अपने दोनों हाथों से सबको दान देते गए। लेकिन अधर्म का साथ देने की वजह से कुरुक्षेत्र में उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के बीच कुछ ऐसी बातचीत हुई थी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिर मरते समय भगवान श्री कृष्ण ने दानवीर कर्ण से क्या पूछा था, आज के इस वीडियो में इस बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, क्योंकि सनातन धर्म के बारे में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम बनाते रहते हैं। दोस्तों, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भाइयों ने अपने भाइयों का वध कर दिया था। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ था। दोनों ही महापराक्रमी थे, महावीर थे। इस युद्ध में कर्ण और अर्जुन एक दूसरे पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के बाणों को काटते जा रहे थे। इस युद्ध में कभी कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ रहे थे तो कभी अर्जुन कर्ण पर भारी पड़ रहे थे। उनके इस युद्ध को देखकर लग रहा था कि ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन नियति ने तो हमेशा ही कर्ण के साथ अन्याय किया। श्राप की वजह से उनके रथ का पहिया भूमि में धस गया। उनको अपने विद्या का भी विस्मरण हो गया। ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते वक्त वो इसके मंत्र को भी भूल गए। रथ के पहिए को निकालने के लिए वो रथ से नीचे उतरे और रथ को उठाने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन श्राप कर्ण पर इतने हावी हो चुके थे कि वो रथ को भूमि से उठा नहीं पाए। और इस मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने अपने अंजलिक बाण से कर्ण को धराशायी कर दिया। कर्ण को ऐसे हालात में देख भगवान श्री कृष्ण को बेहद कष्ट हुआ, क्योंकि कर्ण भले ही अधर्म के पक्ष से युद्ध लड़े थे, लेकिन वो सदा ही धर्म के मार्ग पर चले थे। लेकिन कर्ण के हालात को देख अर्जुन बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि कर्ण के मौत से दुर्योधन की हार निश्चित हो गई थी। कर्ण धराशायी होकर जब अंतिम सांस ले रहे थे, तभी अर्जुन कर्ण का अपमान करते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, देखिए माधव, जिस कर्ण के युद्ध कौशल का आप हमेशा गुणगान करते थे, वो आज मेरे बाणों के आगे टिक नहीं पाए। देखिए वो कैसे मेरे बाणों से घायल होकर मृत्यु के द्वार पर पहुंच चुका है। अर्जुन के बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये अर्जुन नहीं उनका अहंकार बोल रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को बोले, पार्थ, तुम्हें भी पता है कि कर्ण का वध सिर्फ तुमने नहीं किया है, उसका हार के पीछे बहुत सारे कारण हैं। श्राप की वजह से उसके रथ का पहिया भूमि में धस गया, वो अपने शस्त्र विद्या भूल गए और इस अवसर का लाभ उठाकर तुमने उस पर वार किया है। कर्ण का वध सिर्फ तुमसे नहीं, मेरे बुद्धि से भी हुआ है। अगर मैं और पवन पुत्र हनुमान तुम्हारे रथ पर विराजमान नहीं होते तो तुम कर्ण को जीत नहीं पाते। पार्थ, कर्ण के दान देने की आदत को पहचानो और इस विजय को भी उसका दान ही समझो। ये सब सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, अगर कर्ण सच में दानवीर होता तो धर्म उसकी रक्षा करता, लेकिन देखिए कर्ण मरने ही वाला है, तो कहा गया उसका दान पुण्य। अर्जुन के इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रचने के बारे में सोचा। कर्ण की अंतिम परीक्षा लेने के लिए अर्जुन के साथ ब्राह्मण का वेश धारण करके वो दोनों कर्ण के पास पहुंचे। ब्राह्मणों को देखते ही कर्ण ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अंगराज, मैं तो आपके पास दान की आशा लेकर आया था, लेकिन मुझे आपकी स्थिति का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं यहाँ से खाली हाथ ही लौट जाता हूँ। दोस्तों, कर्ण अपने द्वार से किसी को भी खाली हाथ लौटने नहीं देते थे। अपने अंतिम क्षण में भी वो दान देने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने पास पड़े हुए एक पत्थर को हाथ में लेकर उससे अपने सोने के दांत पर प्रहार किया और उसे तोड़कर ब्राह्मण को देते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, अब मेरे पास दान देने के लिए इतना ही है, आप कृपया इसे स्वीकार कीजिए। महादानी कर्ण के दानशीलता को देख ब्राह्मण रूपी अर्जुन की आंखें नम हो गई। इसके बावजूद भगवान श्री कृष्ण ने फिर से कर्ण की परीक्षा लेने के लिए उनसे कहा, ये दांत तो खून से लथपथ और अशुद्ध है, और एक ब्राह्मण को ऐसा स्वर्ण दान करना उसका अपमान ही है, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसे में बुरी तरह घायल कर बड़ी मुश्किल से अपने पास रखे धनुष को उठाकर वरुणास्त्र का प्रयोग करते हैं। कर्ण के वरुणास्त्र से जल की वर्षा होने लगती है। उस पानी से दांतों को धोकर पूरी तरह शुद्ध करके कर्ण ब्राह्मण को स्वर्ण दान करते हैं। महादानी कर्ण के दानवीरता को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन हैरान हो जाते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन
अपने असली रूप में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, हे महादानी कर्ण, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि तुम किसी को भी खाली हाथ जाने नहीं दोगे। तुम्हारे जैसे दानी आज से पहले ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। हे कर्ण, तुम्हारे दान के लिए इस संसार में तुम्हारी कीर्ति सदा अमर रहेगी। तो दोस्तों, इस तरह कर्ण ने अपने अंतिम क्षण में भगवान श्री कृष्ण को अपने स्वर्ण दांत का दान दिया था। कर्ण के इस दानवीरता के कारण ही संसार आज भी सम्मान के साथ कर्ण को याद करती है। सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण के लिए इस वीडियो को अवश्य लाइक करती, कमेंट में दानवीर कर्ण की जय लिखना मत भूलिए।